तो गाइस देख सकते हो कितना छोटा सा फिंच का बच्चा है, चिक्स है, जेब्रा फिंचेस का चिक्स है। और मैंने इसका मटकी को साफ कर रहा था तो सोचा चलो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के अच्छे से साफ कर दूँ, देख सकते हो। और ये भी छोटा सा है, तो छोटा सा 8 पेयर का जो कॉलोनी सेट किया था जेब्रा फिंचेस का, उसमें से ये 2 चिक्स हैच हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में ये लोग भी फ्लाई के पोजीशन में आ जाएंगे। अब मटकी साफ हो चुका है, अब इसको मटकी में रख देते हैं। तो देख सकते हो ये मटकी मैंने अंदर में साफ कर दिया हूँ, एंड इसमें मैं सारे दोनों चिक्स को डाल देता हूँ अंदर में। ओ वाओ, कितने अच्छे से चले जा रहे हैं, देख सकते हो। ये लोग को भी पता है कि मेरा नेस्ट है एंड घर है, तो ये लोग भी चला गया। इस मटकी को अब अंदर करते हैं, इसके पहले मैं थोड़ा सा ये जो है ना लक्ष्मण रेखा ये लगा देता हूँ, लक्ष्मण रेखा इसको बोलते हैं। बहुत सारे आंट है जो चींटी है डिस्टर्ब करते हैं बहुत सारे चिक्स को, इसके पहले मेरा बहुत सारे चिक्स को खा लेता था। जैसे ही एक से चिक्स हैच होता था उसी समय बहुत सारे जो चींटी थे वो लोग खा लेते थे। तो इसको मैं अभी लगा देता हूँ इसमें। और भाई मेरे मैं एक चीज़ बताता हूँ, इससे कोई बर्ड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एल एस इस तरीका से लगाओ जो कि बर्ड्स को खा नहीं पाए। इसको इस टाइप से लगाने से क्या होता है, इसके अंदर में चींटी नहीं डुकेंगे। और मैं यहाँ पे रेडी कर लिया हूँ, और इसके बाद इस मटकी का ऊपर का जो ढकना है इसको भी मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ इसमें भी। तो फाइनली गाइस देख सकते हो गया है इसमें, और मैं अभी इसको मटकी को अंदर में डालूंगा। इस वाले मटकी में भी एक ले कर चुका है गाइस मैंने, चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसमें भी एक ले कर चुका है, 3 eggs है, एंड प्रोग्रेस अच्छा है फिंचेस का, जेब्रा फिंचेस का। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े से पेशेंस रखने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस। इंस्टेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब एक बार कॉलोनी सेट हो जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस साइड का जो मटकी है उसमें भी एक से उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, बहुत अंदर में है। एंड यहाँ पे भी है, इसको भी निकाल के दिखाता हूँ। इसमें भी मुझे लक्ष्मण रेखा लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चींटी है डिस्टर्ब कर रहा है। तो देख सकते हो इस मटकी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें भी 4 eggs है। तो मेरे सारे मटकी में रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा चींटी डिस्टर्ब करता है और चिक्स एग्स को लोग खा लेते हैं, इसलिए मैंने इसका यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा है, सक्सेस भी मिल रहा है अभी। पहले क्या होता था, मैं इसका यूज़ नहीं करता था तो सारे चिक्स एग्स को चींटी ने खा लेता था, जिसके वजह से मेरा कोई चिक्स निकलता नहीं था। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो इसका यूज़ करता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो इसको अब अंदर कर देता हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने स्टिक से इसको हैंग करना पड़ेगा, स्टिक लाता हूँ। तो इसको अच्छे से हैंगिंग करना पड़ेगा। ओ बाप रे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, शिट। देख सकते हो फाइनली सेट कर दिया।
सो ये जो मटकी है इसको भी मैंने बाहर निकाल कर इसको देख लेता हूँ इसमें क्या पोजीशन है, और इधर भी जो मटकी है सबको भी मैं साफ करके इसमें जो लक्ष्मण रेखा उसको यूज़ कर लेता हूँ, ताकि जो चींटी वगैरह इधर है जो अटैक करता है, देख सकते हो गाइस बहुत सारे चींटी जो है इधर रहते हैं, बहुत ज़्यादा चींटी इधर अटैक करते हैं, इसलिए मैंने इसका यूज़ करता हूँ। तो चलते हैं उस सबको निकाल लेते हैं अंदर से। सो ये निकालना मुश्किल है बाहर, क्योंकि छोटा सा गेट है। तो यहीं पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, एग्स का वाव 4 eggs है, 4 अंडे हैं, एंड ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी मैं यूज़ कर लेता हूँ लक्ष्मण रेखा। तो ये वाले मटकी को कंप्लीट कर लिया हूँ अच्छे से, देख सकते हो चारों तरफ मैंने लक्ष्मण रेखा यूज़ कर दिया हूँ, और मैं इसको अभी पॉट को इधर सेट कर देता हूँ। वाव सेट हो गया है। दूसरे वाले मटकी को मैं देख लेता हूँ उसमें क्या पोजीशन है। सो गाइस देख सकते हो इसमें भी 3 eggs है, एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है, देख सकते हो इधर 3 eggs है, वाव। एंड ए वाले मटकी तो मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और इसमें भी 3, इसको भी मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ लक्ष्मण रेखा, फिर उधर सेट करता हूँ। तो इसमें सो गाइस देख सकते हो इसमें एक अंडा ख़राब हो चुका है, तो इसको मैं फेंक देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। तो सारे मटकी को मैंने सेट कर दिया हूँ यहाँ पे, इधर है, इस साइड में है जो कि मैंने दिखा चुका हूँ यहाँ पे अंडा, और एग्स देखिए इस सारे मटकी में एग्स है, एंड वो लास्ट वाले में चिक्स हैच हो चुके हैं गाइस, सारे फिंचेस उस साइड में बसे हुए जाकर, वाओ देख सकते हो। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फिंच के लिए, तो अच्छा रिजल्ट आते रहेगा, कोई बात नहीं है। देख सकते हो मैं इसको सेट किया था उस समय 8 pairs से, अभी प्रोग्रेस बहुत अच्छा है गाइस। तो पेशेंस रखो, अच्छे से सेट करो, केयर करो सारे बर्ड्स को, अच्छे से ट्रीटमेंट करो, वाटर डेली चेंज करो मॉर्निंग में, एंड बहुत ज़्यादा ये लोग का विटामिन्स दो, इसको साग वगैरह दो जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होते हैं, राइस दो, बॉइल्ड राइस दो इसको, जो चींटी का एग्स आते हैं उसको भी दे सकते हो, ये लोग को बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, एग्स का जो एक्सेल जो होते हैं एक्सेल को दो। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को गाइस, एक्सेल जब भी आप कोई भी बर्ड्स को देते हो तो बॉइल्ड एक्सेल मत दो उसको, जो कि हम लोग ऑमलेट बनाते हैं उसका जो एक्सेल निकलता है उसको दो, उसको अच्छे से धोकर ही दो, लेकिन बॉइल्ड मत करो, नहीं तो बॉइल्ड करने से उसका जो कैल्शियम का जो मेन चीज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको मत दो गाइस। सो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, और बहुत अच्छा है देख सकते हो, और मेरे जितने भी फिंचेस है सारे हेल्थ देख सकते हो, कितना अच्छा हेल्थ है लोग का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।